हम लाते हैं टॉप न्यूज, आपके फेवरेट टॉक शोज और अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट सिर्फ यूट्यूब पर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। सब्सक्राइब कीजिए और हम आपको लिए चलेंगे आपकी फेवरेट वीडियो की तरफ। आज एक अफसोसनाक वाकया रायवेंड में पेश आया है। इस वाकये की इतला हम सबको मिली थी, फौरी तौर पे हमने अपनी टीमों को एक्टिवेट कर दिया था। कराची के इलाके लियारी में ऑपरेशन के खिलाफ गैंग वॉर का रिएक्शन, कलाकोट में नून लीग के दफ्तर पर दस्ती बम हमला, सीसीटीवी फुटेज आज न्यूज पर, मोटरसाइकिल सवार हमलावरों को बम फेंकने के बाद फरार होते देखा जा सकता है। कराची गुलिस्तान जौहर में डकैती के दौरान मुजाहमत पर फायरिंग से नौजवान जां बहक, सीसीटीवी में नौजवान को डाकुओं से मुजाहमत करते हुए देखा जा सकता है। अपने गांव वाले से अपने वतन आके मैं बहुत खुश हूं और अपने अब्बू ने ग्यारह साल की उम्र में भारत जाने वाला सिराज 25 साल बाद महसेरा लौट आया। सालों बाद घर वापसी पर रकत आमेज मनासिर, मां की आंखों से आंसुओं की झड़ी लग गई, बेटा भी जज्बात काबू न रख पाया। साल पहले मेरे माँ बाप मेरे लिए रो रहे थे जब मैं उनको छोड़ के गया था, आज 25 साल बाद मैं मेरे बच्चों के लिए रोऊंगा। भारत में 25 साल गुजारने वाला सिराज डिपोर्ट होकर पाकिस्तान आ गया, बच्चे मुंबई में ही रह गए। सिराज और इसके खानदान की बीवी बच्चों को भी पाकिस्तान लाने की अपील। क्या वजह हुई कि बनी गाला और पीपल्स पार्टी वाले एक ही दरबार पर झुक गए? कराची वालों को भी सिर्फ संजरानी का दरबार ही दिखाई दिया। वजूहात अवाम के सामने जरूर आनी चाहिए। नवाज शरीफ ने एहतसाब अदालत के बाहर दिल खोल कर रख दिया। सहाफी की जानिब से सेनेट इलेक्शन की तरह जनरल इलेक्शन भी मैनेज करने से मुतालिक सवाल पर मियां साहब पुरअज़्म, कहा अब वो वक्त रहा और ना ही हालात, दुनिया बहुत आगे चली गई है। अभी तो नवाज कह रहे ना कि मुझे क्यों निकाला, तब शहबाज कह रहे मुझे क्यों निकाला। शहबाज शरीफ कह रहे हैं मुझे क्यों निकाला, जल्द शहबाज शरीफ भी यही कह रहे होंगे। इमरान खान के पंजाब में तूफानी दौरों के दौरान तूफानी खिताब, मुखालफीन पर इल्जामात की बारिश, कहते हैं ये पैसा चोरी करते हैं, कीमत अवाम अदा करते हैं, डाकू कभी सदर तो कभी वजीर आजम बन जाता है। इमरान खान का पिंड दादन खान में जूता मारने वालों को ओपन चैलेंज, गाड़ी की छत पर खड़े हो गए। राणा सनाउल्ला ने पीटीआई चेयरमैन को जूता कल्चर का मौजिद करार दे दिया। एक माह में तमाम सियासी जमातों के कायदीन की जूता क्लब में शामिल होने की पेशगोई कर दी। आने वाले एक महीने में पाकिस्तान की तमाम जमातों के जो कायदीन हैं तकरीबन सारे ही जो है वो जूता क्लब में शामिल हो चुके हों। नादीदा कुव्वतों का ओपनली साथ दे रही है, उसके बाद पीपल्स पार्टी का नाम लेना, मैं ये समझता हूँ पीपल्स पार्टी को तो इन्होंने दफना दिया। जरदारी ने नादीदा कुव्वतों का साथ देकर पीपल्स पार्टी को दफन कर दिया। नून लीग के मुशाहिदुल्ला ने सेनेट इंतखाबात की शफाफ तहकीकात का मुतालबा कर दिया। वजीर इत्तलात मरियम औरंगजेब कहती हैं ईंट से ईंट बजाने वाली पार्टी से भी जवाब तलब किया जाए। एक अंपायर की उंगली के ऊपर धमाल डालने वाली पार्टी और दूसरी ईंट से ईंट लगाने वाली पार्टी जो है उससे भी जवाब तलबी होनी चाहिए। पीटीआई और पीपल्स पार्टी से बलूचिस्तान से चेयरमैन सेनेट लाने का कहा गया, पहले भी दोनों जमातों को मुत्तहिद कराने की कोशिश की गई। नून लीग के जावेद अब्बासी की आज न्यूज के प्रोग्राम स्पॉटलाइट में गुफ्तगू, नफीसा शाह का सेनेट में मुत्तफिका ओपोजिशन लीडर लाने पर जोर, नई मुलाकात पीटीआई का अलग उम्मीदवार लाने का ऐलान।
जॉइंट एक मकसद होगा, मुल्क की इंटरेस्ट की बात होगी, इस मुल्क में जमहूरी तसलसल की बात होगी, गवर्नेंस की बात होगी, तो बातचीत तो जरूर हो सकती है। और जहां तक केयरटेकर का है कोई पता नहीं है, हो सकता है कंसेंसस हो। Elections by and large I feel they'll be held on time. और इसमें भी वो है FATF पे, इसमें इंडिया का बड़ा मेजर रोल है। सेनेट इलेक्शन की तरह जनरल इलेक्शन भी बरवक्त होंगे। FATF से आम इंतखाबात पर कोई असर नहीं पड़ेगा। नून लीग के अनवर बेग का आज न्यूज के प्रोग्राम फैसला आपका में इजहार ख्याल। कुरतुलैन मरी कहती हैं, हुकूमत कौमी मसाइल पर कभी संजीदा नजर नहीं आई। गवर्नमेंट ये सीरियस रहे ही नहीं है, ना इन्होंने नेशनल एक्शन प्लान पे कुछ किया है, ना अगर इतने सीरियस थे 4.5 साल फॉरेन मिनिस्टर ले आते। कराची में दूध वाले और दूध के दाम दोनों में लगाम। सरकारी रेट कुछ, व्यापारी रेट कुछ और है। 85 रुपए लीटर दूध की कीमत 100 रुपए तक जा पहुंची। सरकार और डेयरी फार्मर्स की तकरार में अवाम फिसकर रह गए। क्या करेंगे बच्चे और गरीब के बच्चे क्या करेंगे? अवाम का बेरा गर्क करते भी जाएगी हुकूमत, ये इससे कोई फायदा हुकूमत का अवाम से कुछ है कि नहीं है, मुझे ये बताएं। पंजाब हेल्थ केयर कमीशन ने अताइयों के गिर्द घेरा तंग कर दिया। लाहौर में 2 रोज के दौरान मजीद 26 अताइयों की दुकानें सील कर दी गई। 7 जाली दंदान साज और 4 हकीम भी शामिल। पंजाब के तालीमी इदारों में अब रात को नाच गाने की महफिलें नहीं हो सकेंगी। पंजाब असेंबली में करारदाद मंजूर। डीजे पार्टीज को मगरबी सकाफत को फरोग देने की साजिश करार देते हुए पाबंदी आयद कर दी गई। रूस की कौमी सलामती काउंसिल के आला सतह वफ्द की सेक्रेटरी खारजा तहमीना जंजुआ से मुलाकात। पाकिस्तान और रूस के दरमियान ताबुन के मजीद फरोग पर इत्तेफाक राय। नई दिल्ली में पाकिस्तानी सिफारतकारों को हरासा करने का सिलसिला जारी। आज फिर मजीद 2 वाकया पेश आए। सीनियर सिफारतकार की गाड़ी और सिफारती अहलकार के अहले खाना हरासा किए गए। रायबंड में सिक्योरिटी चेक पोस्ट पर खुदकुश हमले में 5 पुलिस अहलकारों समेत 9 अफराद जाबाह हो चुके हैं। शोधा में सब इंस्पेक्टर और 3 कॉन्स्टेबल भी शामिल हैं। धमाके में 20 से ज्यादा अफराद जख्मी भी हुए हैं। इस वक्त हमारे साथ आज न्यूज के नुमाइंदे गजनवर खान मौजूद हैं, जो जाए वकुआ पर मौजूद हैं, जबकि फैसल तारिक हमें अस्पताल से ज्वाइन करेंगे जहां पर जख्मियों को लाया गया है और डेड बॉडीज लाई गई हैं। तो सबसे पहले स्पॉट का रुख करते हैं, आज न्यूज के नुमाइंदे गजनवर खान से अपडेट्स लेते हैं। गजनवर बताइएगा, सिक्योरिटी फोर्सेज के एहलकार अब क्या कहते हैं? खुद को हमला तो था, ये बात तो बता दी गई है, आया किस तरीके से किया गया, किस तरीके से आया दहशत गर्द और किस मकाम पर यह धमाका हुआ? जी बिल्कुल, इस वक्त मैं रायवंड बिल्कुल जहां पर ये धमाका हुआ था उससे कुछ ही फ्लांक जो है वो दूर हूं, और इत्तलात के मुताबिक जो है वो हमलावर जो है वो उसका हदफ ही जो है वो पुलिस एहलकार थे, और उसने जो है आते ही जो है वो पुलिस जो कैंप है वहां पे धमाका जो है खुद से उसको अपने आप को जो है वो उड़ा लिया। और पुलिस के मुताबिक इस हादसे में जो है कॉन्स्टेबल 2 सब इंस्पेक्टर समेत 4 जो हैं वो सिटीजन जो हैं वो जहाँबाक हुए हैं, तब जबकि 19 से ज्यादा अफराद जो हैं वो जख्मी हुए हैं, जिनको शिफ्ट और टी एच के हॉस्पिटल से जो है जिना अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। तहम अगर एविडेंस की बात की जाए तो यहाँ पर जो है सी टी डी और दीगर कानून ऑफिस करने वाले जो अदारे हैं उन्होंने एविडेंस कलेक्ट कर ली हैं। सीसीटीवी कैमरे से भी फुटेज उन्होंने हासिल कर ली है। यहाँ पर जो है सिक्योरिटी के बिल्कुल फुल प्रूफ इंतजाम जो हैं वो किए गए थे, लेकिन जो हमलावर है पुलिस के मुताबिक वो हमलावर जो है वो किसी अंदरून रास्ते से आया या वो पहले ही मौजूद था। इन दोनों ही वजूहत पर जो वजूहत पुलिस की तरफ से बताई गई हैं उन पर तहकीकात का जो है वो आगाज़ किया जा रहा है, और ये भी बताया जा रहा है कि हमलावर के जो अज़ा हैं वो कलेक्ट करके जो है मुर्दा खाने मुंतकिल कर दिए हैं। तहम उसका जो शनाख्त है वो नादरा से करवाने के लिए प्रोसेस जो है वो भी शुरू कर दिया गया, तहम उसकी भी शनाख्त जो है वो सामने आ जाएगी। पुलिस का कहना है कि ये हमलावर जो है ये पुलिस एहलकारों को जो है अपना हदफ उसने बनाया है, तहम उस हवाले से तहकीकात का आगाज किया जा रहा है कि खुदकुश हमलावर का असल हदफ पुलिस एहलकारी थे और उसमें काफी हद तक वो कामयाब भी रहा,
और जैसे कि हम आपको बता रहे हैं नाजरीन के 9 पुलिस अहलकार जो है वो इसकी सद में आए और सब इंस्पेक्टर और 3 कांस्टेबल अब तक शहीद हो चुके हैं। बहरहाल अब अस्पताल का रुख करेंगे। फैसल तारिक हमारे साथ मौजूद हैं। फैसल आप बताइएगा अस्पताल में कितनी डेथ बॉडीज अब तक लाई गई हैं और जो जख्मी लाए गए हैं उनकी तादाद कितनी है और उनमें से कितनों की हालत नाजुक बताई जा रही है। जी फैसल आपको मेरी आवाज आ रही है? फैसल तक हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही है और जैसे कि हम आपको बता रहे हैं कि रायवंड में सिक्योरिटी चेक पोस्ट पर खुदकुश हमले में 5 पुलिस अहलकारों समेत 9 अफराद अब तक जांबहक हो चुके हैं और शोधा में सब इंस्पेक्टर भी शामिल हैं जबकि 3 कांस्टेबल्स भी शामिल। सुन सकते हैं? ठीक है। अब फैसल जरा ये बताइएगा कितनी डेड बॉडीज लाई गई हैं, कितने जख्मी लाए गए हैं। हूँ अफसोसनाक सानिये के हवाले से अगर बात की जाए तो धमाके के फौरी बाद जो शहर के मुख्तलिफ अस्पताल थे वहाँ पे हाई अलर्ट कर दिया गया। फौरी बाद जो करीबी अस्पताल था DHQ वहाँ पे जख्मियों को मुंतकिल किया गया, लेकिन उसके बाद जो जिना अस्पताल है जहाँ पे मैं इस वक्त मौजूद हूँ वहाँ पे जख्मियों को मुंतकिल किया जा रहा है। 8 अफराद को यहाँ पे मुंतकिल किया गया है जिनमें एक की जो हलाकत की तस्दीक है वो MS सुहेल सकलैन की जानिब से कर दी गई है। अगर बात की जाए जनरल अस्पताल की तो जनरल अस्पताल में भी जख्मियों को लाया गया है लेकिन वहाँ पे किसी भी अफराद के हलाक होने की तस्दीक नहीं की गई। मजबूरी तौर पर अगर पुलिस की जानिब से बात की जाए तो 9 के करीब अफराद की जो हलाकत की तस्दीक है पुलिस की जानिब से की जा रही है जिनमें से 5 अफराद जो हैं वो पुलिस अहलकार हैं जबकि 4 शहरी इस अफसोसनाक सानिये में शहीद हुए हैं। इसके साथ ही अगर बात की जाए तो तमाम अमले को यहाँ पर वापस बुला लिया गया है, अस्पताल में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया, सिक्योरिटी के भी सख्त किस्म के इंतजाम किए गए हैं। पुलिस की जानिब से एमरजेंसी के अंदर जाने के लिए तमाम अफराद को जमे तलाशी के बाद अंदर जाने की इजाज़त दी जा रही है जबकि कुछ ही देर पहले यहाँ पर रेंजर्स की कंपनियाँ भी पहुँच चुकी हैं और रेंजर्स भी यहाँ पर तैनात कर दी गई है। लाहिकीन के लिए एक अलहदा काउंटर बाहर बना दिया गया है जहाँ पर तमाम तफसीलात जो हैं वहाँ पर बताई जा रही हैं और ख़ास तौर पर वहाँ पर अंदर जब खून की ज़रूरत होती है तो उसके लिए भी ऐलान किए जा रहे हैं कि जिसको कोई उनकी जरूरत है ब्लड ग्रुप जो होता है वो यहां पर आए। और फैसल आप हमें अस्पताल से रिपोर्ट कर रहे थे और गजनफर आप हमें जाए वखुआ से रिपोर्ट कर रहे थे, आप दोनों हजरात का बहुत शुक्रिया। अब आपको बताते हैं कि इंतजार की घड़ियां खत्म होने को हैं। PSL 3 का फाइनल 25 मार्च को कराची में खेला जाएगा। फाइनल स्टेडियम में बैठकर कौन कौन देखेगा? टीमों के मुकाबले से कबल शायकीन में मुकाबला शुरू हो चुका है। फाइनल के लिए ऑनलाइन बुकिंग की फरोख्त 12 बजते ही शुरू हो चुकी है। ऑनलाइन बुकिंग शुरू होते ही वेबसाइट पर इस वक्त शदीद ट्रैफिक जैम है। कंप्यूटर पर पैगाम लगा दिया गया है कि आप कतार में हैं, अपनी बारी का इंतजार करें। 30% टिकट्स ऑनलाइन खरीदी जा सकती हैं और आपको बताएं कि 70% टिकट्स निजी कोरियर सर्विस कंपनी की मुख्तलिफ ब्रांचेस हैं, तकरीबन 32 ब्रांचेस हैं जिन पर आज सुबह 9 बजे से टिकट्स दस्तियाब होंगे। तो अगर आप ऑनलाइन टिकट बुक नहीं करा सकते हैं या नहीं करा पा रहे हैं तो आप सुबह 9 बजे जो है कोरियर कंपनी के ऑफिस जाकर ये टिकट खरीद सकते हैं। कराची के नेशनल स्टेडियम में लगभग 30,000 तमाशाइयों की गुंजाइश मौजूद है और अगर आपको ऑनलाइन टिकट बुक करानी है तो यकीनन आपको इंतजार करना होगा ताकि ट्रैफिक कुछ कम हो और उसके बाद आपकी बारी आए अगर खुशकिस्मती से कोई टिकट दस्तियाब होती है। यकीनन क्योंकि बहुत बड़ी तादाद में लोग टिकट्स के लिए इस वक्त ऑनलाइन अप्लाई कर रहे हैं और इसी वजह से बहुत ज्यादा ट्रैफिक इस वक्त बिजी है और कहा जा रहा है कि आपको अगर चाहिए तो फिर आप जो है वो वेट कीजिए, यू आर नेक्स्ट इन लाइन। अब जैसे कि हम अगर अप्लाई कर रहे हैं, हमारा ये कंप्यूटर है, हमने अभी थोड़ी देर पहले इसको यूज किया, अप्लाई करने की कोशिश की कि किसी तरीके से हम एक टिकट बुक कराएं तो हमें ये मैसेज शो हो रहा है कि यू आर नेक्स्ट इन लाइन। अब यकीनन ये हर किसी को यही हो रहा है तो हर कोई नेक्स्ट है लेकिन जिसका नसीब जागेगा वही नेक्स्ट होगा। और बहरहाल आपको बता दें कि लगभग 30,000 से ज्यादा शायकीन बैठ सकते हैं स्टेडियम में। फर्स्ट क्लास की बात करें तो 4,000 रुपए का टिकट है, 3 इंक्लोजर है। आसिफ इकबाल, वकार हसन, माजिद खान, जनरल की बात करें तो फकत 1,000 रुपए का टिकट है, 3 इंक्लोजर है। वसीम बारी इंक्लोजर है, मोहम्मद ब्रदर्स इंक्लोजर है, इंतखाब आलम इंक्लोजर है। VIP की बात करें तो कायदे आजम इंक्लोजर है, वसीम अकरम इंक्लोजर।